नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 4 मई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, इस डिस्कशन में हमने फरवरी, मार्च और अप्रैल 2021 के टॉप मोस्ट 50 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर किया है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है, 2 लाख पानी के कनेक्शन प्रदान करेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने एक टारगेट रखा है, क्या, कि जुलाई 2022 तक वो सभी ग्रामीण परिवारों को जो ये टैप वाटर सप्लाई है यानी नल का पानी, ये उपलब्ध कराएगा। हिमाचल प्रदेश में अभी तकरीबन 17 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से तकरीबन 76% को जो ये टैप वाटर सप्लाई है ये दी जा चुकी है। अब देखो, ये सब तो ठीक है, ये आए दिन न्यूज आती रहती है कि हिमाचल प्रदेश ने अपना एक्शन प्लान जारी किया है, आंध्र प्रदेश ने किया है, उड़ीसा ने किया है, यहां से क्वेश्चन कम चांस है कि पूछा जाएगा। लेकिन पूछा जा सकता है जल जीवन मिशन, जिसके तहत ये सब किया जा रहा है। जल जीवन मिशन ये है क्या? इसके दो पार्ट हैं, आप ये कह सकते हैं इसके दो कंपोनेंट हैं। दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक तो है जल जीवन मिशन रूरल यानी ग्रामीण, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है जल जीवन मिशन अर्बन। समझ गए ना, दो तो इसके कंपोनेंट हैं। अभी जो जल जीवन मिशन रूरल यानी ग्रामीण है, ये ऑलरेडी रनिंग में है, मतलब इसको लॉन्च किया जा चुका है। कब? इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों में नल का पानी उपलब्ध कराना। ये तो टारगेट है जल जीवन मिशन रूरल का। जल जीवन मिशन अर्बन, इसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है, इसको जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। 2021-22 के बजट में इसके ऊपर बातचीत की गई थी, लेकिन इसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है। क्वेश्चन यहां से बनेगा जल जीवन मिशन रूरल के ऊपर, इसे कब लॉन्च किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसे लॉन्च किया गया था 2019 में, ऑब्जेक्टिव क्या है, 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों में जो नल का पानी है ये उपलब्ध कराना। तो अब क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है। किस राज्य ने पूरे राज्य में 2 लाख से अधिक नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? यहां पे आएगा नल का जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, हिमाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। SBI ने COVID-19 का मुकाबला करने के लिए 71 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बहुत कम चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है SBI के बारे में। तो देखो, SBI कैसे बना, इसके बारे में ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसे हम समझते हैं। सबसे पहले 3 बैंक हुआ करते थे, कौन कौन से, बैंक ऑफ कलकत्ता, फिर कौन सा था, बैंक ऑफ बॉम्बे, उसके बाद कौन सा आता था, बैंक ऑफ मद्रास। ये जो बैंक ऑफ कलकत्ता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे, इसको कब फाउंड किया गया था? इसको फाउंड किया गया था 1840 में। देखो ध्यान से सुनेगा, एक एक पॉइंट पर क्वेश्चन बनेगा। बैंक ऑफ मद्रास, इसको 1843 में इसकी स्थापना की गई थी। तो 1806 में कलकत्ता, 1840 में बॉम्बे और 1843 में मद्रास, इनकी स्थापना हो गई। फिर आगे चलकर इन्हीं तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया गया, फिर क्या बना, फिर बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। समझ गए ना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये नाम बना। कब बना? 1921 में, और 1921 से लेके 1955 तक यही इस बैंक का नाम रहा। फिर आगे चल के 1955 में कौन सा बैंक आया, फिर बना SBI, जिसका नाम आज की डेट में जाना जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय स्टेट बैंक। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो एग्जैक्ट डेट क्या है, 1 जुलाई 1955। ये डेट एग्जाम में पूछी जाती है, जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं या फिर जैसे SSC पुलिस इन सब के जो एग्जाम होते हैं, वहां पे ये डेट पूछी जाती है कि SBI की स्थापना कब हुई थी। तो 1 जुलाई 1955 में हुई थी। इसके अगर हम हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात करें, तो महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है दिनेश कुमार खैर। समझ गए ना, दिनेश कुमार खैर ये इसके चेयरमैन है। तो ये हमने SBI का पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया है। अब क्वेश्चन लगाते हैं, किस बैंक ने COVID-19 की दूसरी लहर का मुकाबला करने में देश की सहायता के लिए 71 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो आंसर क्या होगा, SBI, भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सेकंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। 3 मई को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये है क्या? देखो, इसे हर साल 3 मई को मनाया जाता है, 1993 में। ध्यान से सुनना,
1993 में यूएनजीए, यूएनजीए क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसने ये डिक्लेयर किया कि अब से 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी क्या मनाया जाएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये मनाया जाएगा। मनाने का मकसद क्या होता है, प्रेस की जो प्रोटेक्शन और सेफ्टी है इसको सुनिश्चित करना। इसकी थीम भी आप याद रखेगा, 2021 की थीम क्या है, थीम है इसकी इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। फिर से बोलता हूँ, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, ये सब तो ठीक है। अब देखो, कुछ ही टाइम पहले एक इंडेक्स जारी हुआ था, नाम क्या था उसका, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें जो टॉप स्थान मिला था ना, ये मिला था नॉर्वे को, भारत को इसमें 142वीं रैंक मिली थी। ये पूछी जा सकती है रैंक कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कितनी रैंक मिली, 142वीं रैंक मिली थी और टॉप किसने किया था, नॉर्वे ने। इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, इस इंडेक्स को जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो 3 मई को मनाया जाता है क्या, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और देखो, अभी हमने एक दो दिन पहले पढ़ा था, 1 मई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे। 2 मई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड लाफ्टर डे यानी विश्व हास्य दिवस। समझ गए ना, तो ये दोनों डे के बारे में हमने कर लिया है कवर। अब क्वेश्चन लगाते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, ये हर साल 3 मई को मनाया जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 3 मई। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। भारत और रूस 2+2 मंत्री सत्र संवाद स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए। अब समझते हैं ये है क्या। सबसे पहले तो ये जान लीजिए 2+2 ये होता क्या है। देखो 2+2 डायलॉग, इसमें क्या होता है, जैसे ये भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और ये इसराइल की तरफ से हैं, तो देखो इन दोनों के बीच में अब 2+2 मंत्री सत्रीय संवाद स्थापित हुआ है। तो जैसे यहाँ पे भारत है और इधर ही रशिया है, इसराइल नहीं है, रशिया आएगा, ठीक है। तो इन दोनों देशों के, जैसे भारत के कौन आएंगे, भारत के आएंगे एक तो विदेश मंत्री और दूसरे कौन से आएंगे, दूसरे आएंगे रक्षा मंत्री। समझ गए ना, देखो हैंडराइटिंग थोड़ी यहाँ पे गलत आ रही है लेकिन आप समझिएगा, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। उसी प्रकार से रशिया की तरफ से भी विदेश मंत्री और कौन आएंगे, रक्षा मंत्री। ये दोनों, मतलब भारत की तरफ से ये दोनों लीडर आएंगे और रूस की तरफ से ये दोनों लीडर आएंगे, ये चारों एक साथ आके फिर मीटिंग आयोजित करते हैं। आपसी जो आपसी देश है, मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उनका किस प्रकार से आगे लेके जाया जा सके, इन सब मुद्दों पे बातचीत की जाती है। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि क्या प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, जी नहीं, इसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आते हैं। भारत के हैं तो भारत की तरफ से दोनों आएंगे और रूस है कि तो रूस की तरफ से दोनों आएंगे, ये सब तो ठीक है। अब 2+2 डायलॉग, भारत किस किस के साथ ये, मतलब ये जारी करता है, किस किस के साथ इसको स्थापित करता है, तो ये कौन कौन आएंगे, देखो एक तो आता है यूएसए, यूएसए के साथ भी भारत 2+2 डायलॉग करता है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है जापान, और तीसरा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों के साथ भारत 2+2 डायलॉग ये करता है, ठीक है, ये मतलब कंक्लूड होता है दोनों देशों के बीच में, भारत अमेरिका, भारत जापान और भारत ऑस्ट्रेलिया। अब देखो यूएसए, यहां पे लिखता हूं यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और इन्हीं के साथ आता है इंडिया। अब ये चारों देश एक ग्रुप का मेंबर है, उस ग्रुप का नाम क्या है, उस ग्रुप का नाम है क्वाड। ये ग्रुप आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कितने देश हैं, तो इसमें 4 देश हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी, मतलब इसका गठन कब हुआ था, तो 2007 के आसपास हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, चाइना को कंटेन करना, ये खुला बोलता है कि चाइना को कंटेन करना, मतलब चाइना को कंटेन करना, ये इसका उद्देश्य है क्वाड का। अब इसमें 4 देश आते हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो समझ गए, भारत इन तीनों देशों के साथ 2+2 डायलॉग करता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत कौन सा देश ऐसा है जिसके साथ 2+2 डायलॉग करता है और वो क्वाड का मेंबर नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखेगा, रशिया सही आंसर है। तो समझ गए ना ये पूरी न्यूज क्या थी, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। अब रशिया की एक बार आप लोकेशन देख लीजिए, उससे पहले ये क्वेश्चन लगाइए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 डायलॉग यानी मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमति हुई है, तो आंसर क्या होगा, रशिया। फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, रशिया। अब लोकेशन देखते हैं, ये रशिया की लोकेशन है, कैपिटल क्या है, कैपिटल है मॉस्को, जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है, रशियन रूबल। प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री कौन है, मिखाइल मिशुस्तिन। रशिया जो है यूरोप और एशिया दोनों में आता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ।
आईआईटी बॉम्बे ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित किया है। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई आईआईटी बॉम्बे ने, देखो भारत के अंदर ऑक्सीजन की इस समय डिमांड है बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसी को पूरा करने के लिए आईआईटी बॉम्बे सामने आया है। आईआईटी बॉम्बे ने जो नाइट्रोजन के प्लांट है ना उसमें से ऑक्सीजन को जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। देखो ये सब टेक्निकल टर्म है, ये एग्जाम में कम पूछी जाएंगी, लेकिन ये आईआईटी बॉम्बे पूछा जा सकता है। आज की डेट में भारत के अंदर तकरीबन कितने आईआईटी हैं? 23 आईआईटी हैं। और अभी कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था आईआईटी गुवाहाटी, इसने एक समझौता किया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के संबंध में, मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के साथ जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है ना वहां पे जो रेलवे का नेटवर्क है इसको डेवलप करने के लिए। तो अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। किस आईआईटी ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित किया है? तो आंसर क्या होगा? आईआईटी बॉम्बे। फिफ्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, आईआईटी बॉम्बे। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। फाइजर ने भारत को $70 मिलियन से अधिक की दवाओं के दान की घोषणा की है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ये जो फाइजर है ये किस देश की कंपनी है, तो ये कहाँ की है? फाइजर जो है ये अमेरिका की कंपनी है, अमेरिकन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन है, जिसके अगर हम चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन कौन है? एल्बर्ट बुरला, और इसके चार्ल्स फाइजर थे फाउंडर। अब देखो ये सब तो ठीक है कि फाइजर अमेरिका की कंपनी है, कुछ दूसरी कंपनी भी है जो अभी चर्चे में है, जैसे सनोफी। ये जो सनोफी कंपनी है किस देश की है? ये फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है, मतलब ये फ्रांस की है, पहली कंपनी ये है। दूसरी कौन सी है जो इंपोर्टेंट है? एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका कहाँ की है? ये ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी है, ब्रिटिश और स्वीडन की दोनों अलग अलग कंपनी हुआ करती थी, उन दोनों को मर्ज कर दिया गया, फिर बनी क्या? एस्ट्राजेनेका। और देखो एस्ट्राजेनेका की जो ये वैक्सीन है ना इसी को ही भारत के अंदर कोविशील्ड बोला जा रहा है। जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये एस्ट्राजेनेका ही है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, मतलब यही ये वैक्सीन है। तीसरी कौन सी है? तीसरी है बायोनटेक। ये जो बायोनटेक है ये किस देश की है? बायोनटेक कहाँ की है? ये जर्मन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। तो ये तीन चार कंपनियां आप याद रखेगा, सीधी सीधी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब क्वेश्चन लगाते हैं, फाइजर ने भारत को कितनी मिलियन डॉलर से अधिक की दवाओं के दान की घोषणा की है? तो आंसर क्या होगा? सत्तर मिलियन डॉलर से अधिक की दवाओं के दान की घोषणा की है। किसने? फाइजर ने। और ये 95% इफेक्टिव है कोविड को रोकने के लिए। तो ये तो था हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन का, क्या आंसर? बी ऑप्शन सही है, 70। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। मैक्सिको में 1200 वर्ष पुराने लगभग 137 काले और लाल हाथ के निशान मिले हैं। कितने? 1200 वर्ष पुराने। कहां पर ये मिले हैं? मैक्सिको के अंदर। तो समझ गए ना। अब क्वेश्चन लगाते हैं, उससे पहले मैक्सिको की लोकेशन देख लीजिए। देखो यहां पर है मैक्सिको, कहां पर? ये वाला एरिया, ये मैक्सिको है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। करेंसी मैक्सिकन पीसो। राष्ट्रपति कौन है? नाम थोड़ा बड़ा है, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडर। देखो यहाँ पे एक ग्रासलैंड है, प्रेरी ग्रासलैंड, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, नॉर्थ अमेरिका में है प्रेरी ग्रासलैंड। अब क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन क्या है? किस देश में माया गुफा, ये नाम आप याद रखेगा, माया गुफा की दीवारों पर लगभग 137 काले और लाल हाथ के निशान मिले हैं, मतलब ये बहुत पुराने मिले हैं, 1200 वर्ष पुराने। कहां पर मिले हैं? मैक्सिको में मिले हैं। तो सेवंथ क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, मैक्सिको। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए की जाएगी ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति। तो ये तो देखो सिंपल सी न्यूज है कि महाराष्ट्र में जो ऑक्सीजन है इनकी बर्बादी ना हो सके, इन्हीं को रोकने के लिए अब ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति की जाएगी। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। अब क्वेश्चन लगाते हैं, किस राज्य ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति करने का फैसला किया है? तो ये कहां पे किया गया है? महाराष्ट्र की सरकार ने। अब बात यहां पे महाराष्ट्र की हुई है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कब कवर कर लेते हैं। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से सोवी किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII जो काफी दिनों से चर्चे में है, ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, ये डेट भी आप याद रखेगा। केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मही समाल गांव महाराष्ट्र में स्थित है। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि यहाँ के लोगों को काफी दिनों बाद
जो नल का पानी है वो उपलब्ध हो पाया था, इसलिए ये गांव चर्चे में था। तो ये तो है महाराष्ट्र का करंट अफेयर। और देखो कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था सीताराम कुंटे, फिर से बोलता हूँ क्या नाम है, नाम है सीताराम कुंटे। इनको महाराष्ट्र का चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था, ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कार्यस्थल में महिला भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 1.7 बिलियन ऑस्ट्रेलिया डॉलर देने का वादा किया है। इससे क्या होगा, सीधा सीधा वुमेन एम्पावरमेंट होगा। अब क्वेश्चन लगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कार्यस्थल में महिला भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए चाइल्ड केयर सब्सिडी में कितने मिलियन ऑस्ट्रेलिया डॉलर देने का वादा किया है, तो आंसर क्या होगा 1.7। नाइन्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 1.7 ऑस्ट्रेलिया डॉलर। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के लोकेशन देख लीजिए आप, कैपिटल क्या है कैनबीरा, करेंसी क्या है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। स्कॉट मॉरिसन ये कौन है, ये प्रेसिडेंट है ऑस्ट्रेलिया के। आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारत दूसरे स्थान पे है, ये देखो न्यूज आई निकल के। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है आईसीसी, इसके बारे में समझते हैं। पहले आप ये क्वेश्चन लगाइए, आईसीसी टी20 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है, तो भारत इसमें दूसरे स्थान पे है। अब जो आईसीसी है ना इसके बारे में समझते हैं, आईसीसी इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना कब हुई थी, 1909 में। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो जून 15 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, ये डेट आप याद रखेगा 1909। हेडक्वार्टर की बात करें तो देखो 1909 से लेके 2005 तक इसका जो हेडक्वार्टर था ना ये कहाँ पे था, ये था लंदन के अंदर, लेकिन 2005 इसमें शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पे 2005 में शिफ्ट किया गया, दुबई। दुबई कहाँ पर है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। 2005 से लेके और आज तक ये हेडक्वार्टर अभी दुबई में ही स्थित है। अब इसके बात करते हैं हम चेयरमैन के बारे में, चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले ये न्यूजीलैंड से हैं, कभी कभी एग्जाम में देश भी पूछ लिया जाता है। सीईओ कौन है इसके आईसीसी के, तो ये हैं मनु सोहानी। समझ गए ना, ये थी न्यूज़ और ये हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया आईसीसी के बारे में। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आईसीसी के बारे में ही पूछा जाएगा। अब ये तो थे हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, किस राज्य सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राज्य के 6,10,000 से अधिक सड़क विक्रेताओं के खातों में 61 करोड़ रुपए स्थानांतरित यानी ट्रांसफर किए हैं, तो मध्य प्रदेश सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल किस देश में शुरू किया गया, पुर्तगाल में। किस तारीख को हर साल महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाता है, 1 मई को। अप्रैल 2021 में कोविड के कारण अरुण कुमार सिंह का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस राज्य से थे, तो ये बिहार के चीफ सेक्रेटरी थे। कोविड संबंधित जटिलताओं के कारण अप्रैल 2021 में दीपक त्रिवेदी का निधन हो गया, वे किस राज्य के आईएएस एसोसिएशन अध्यक्ष थे, तो आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है, किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा की है, किस भारतीय को जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है, किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत राशि को 51,000 रुपए करने का मार्ग प्रशस्त किया है, किस देश ने हरित पहल की शुरुआत की, अप्रैल 2021 में विश्व हास्य यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया गया, किस राज्य ने मट्टी केले के लिए जीआई टैग की मांग की है। आपको यह भी बताना है जीआई टैग कितने साल के लिए दिया जाता है, तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं, थैंक यू।